बार बार इधर आ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, हेमचंद्र तिवारी। टुडे वी विल स्टार्ट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल पेपर ऑफ MBA फोर्थ सेमेस्टर। आज हम लोग इसको फिनेंस में देखेंगे, फिनेंस स्पेशलाइजेशन के इस पेपर में, कि फिनेंशियल डेरिवेटिव्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, होता क्या है, इनको इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले तो हम लोग ये शुरुआत करें कि डेरिवेटिव में, ये डेरिवेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों करते हैं लोग। जब तक इन शब्दों को नहीं जान ले तब तक आगे जानना थोड़ा मुश्किल होगा। होता क्या है, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव्ड वैल्यू। किसी चीज से निकाला गया डिराइव्ड वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये शुगर का पैकेट है, और ये शुगर केन है। एवरीवन इज नोइंग दैट शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड और शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय द शुगर केन। अब अगर शुगर केन की प्राइस बढ़ती है तो सीधा सा बात है कि शुगर का भी प्राइस बढ़ेगा, और अगर शुगर का प्राइस घटता है तो शुगर का भी प्राइस घटेगा। इसमें जो हुआ, शुगर का प्राइस ये डिराइव्ड वैल्यू है, और इस शुगर के लिए अंडरलाइंग एसेट्स कौन सा हुआ, शुगर केन। इस बात को आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लें कि ये बेसिक चीज है, अंडरलाइंग एसेट्स, और ये जो शुगर का वैल्यू हुआ ये डिराइव्ड वैल्यू। क्योंकि शुगर केन का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो शुगर का बढ़ रहा है, शुगर केन का वैल्यू घट रहा है तो शुगर का वैल्यू घट रहा है। कहने का मतलब डेरिवेटिव में हम लोग एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं, द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स, द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है उससे जो वैल्यू डिराइव हुआ उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। अब बातचीत ये होती है कि फिनेंशियल डेरिवेटिव क्या है। मैं कुछ बात आपको बताऊं बच्चों, दो तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, और एक स्पेकुलेटर होते हैं। इनको कुछ लोग ट्रेडर भी कहेंगे, ट्रेडर भी होते हैं, एक स्पेकुलेटर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं। अब रही बात की जो इन्वेस्टर हैं, ये ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको कुछ सालों के बाद अपने रिटर्न चाहिए होते हैं, और यूजुअली ये इक्विटी में जाएंगे, डेट में जाएंगे, या फिर दोनों में ही जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जाएंगे। यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे विल नेवर मूव फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल डेरिवेटिव। ये फिनेंशियल डेरिवेटिव के लिए मूव नहीं करते। लेकिन जो स्पेकुलेटर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये मूव करते हैं शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि ये रिस्क लेना चाहते हैं।
यहाँ इनकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है, वो रिड्यूस कर जाती है। अब आपके सामने दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये, इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे और दूसरी बात स्पेकुलेशन किसे कहेंगे, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। फिर हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको हम लोग देख लें। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कहता है कि सेक्रीफाइस ऑफ करेंट अपॉर्चुनिटी इन होप ऑफ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। सेक्रीफाइस ऑफ करेंट अपॉर्चुनिटी इन होप ऑफ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर, ये सेक्रीफाइस करेंगे अपनी करेंट अपॉर्चुनिटी को, लेकिन एक रिस्क, ये बहुत नॉमिनल रिस्क लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। अगर मान लो आप कि इन्होंने इक्विटी में लगाया अपने फंड को, तो इक्विटी में ये डिविडेंड भी चाहेंगे और कैपिटल गेन भी चाहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज चाहेंगे, लेकिन जो स्पेकुलेटर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे और वो सिर्फ कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं। अब रिटर्न और कैपिटल गेन जो मैंने कहा आपसे, मैंने ये जो कहा डिविडेंड और कैपिटल गेन, इन दोनों में फर्क होता है। कैपिटल गेन किसे कहते हैं भाई? तो अगर मैं कैपिटल गेन के बारे में बात करूं तो कैपिटल गेन में हम लोग कह सकते हैं गेन एराइजेस ड्यू टू प्राइस चेंज ऑफ एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। अब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं अगर उनमें कोई चेंजेस होता है, प्राइस चेंज होता है, उसके वजह से जो गेन अराइज होगा दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल गेन। दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल गेन। तो स्पेकुलेटर जो है ना वो कैपिटल गेन चाहते हैं। मतलब कहने का कि अगर आज आपके पास जो फिनेंशियल एसेट्स हैं, फिनेंशियल एसेट्स हम लोग किसे कहते हैं भाई? जैसे इक्विटी हो गया, अगर इसमें वो लोग चाहते हैं कि आज मार्केट प्राइस इनका 100 है, कल गए अगर ये 120 हो जाए, तो जो ये डिफरेंस हुआ 20 का, दैट इज द कैपिटल गेन। दैट इज द कैपिटल गेन। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स में चेंज, प्राइस चेंज के कारण स्पेकुलेटर चाहते हैं, वो डिविडेंड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाएंगे, ये केवल कैपिटल गेन अराइज करेंगे प्राइस चेंजेस के कारण। अब रही बात कि फाइनेंशियल एसेट्स वो अलग होता है, जैसे आपने इक्विटी में लगा लिया, डेट में लगा लिया, और जो इनसे डेराइव्ड वैल्यू होते हैं, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, वो इंडेक्स नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कि ये इंफोसिस
कैप इक्विटी में सीधे पैसे लगा दिए। अब इन्फोसिस की वजह से इंडेक्स नंबर में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर जो डिराइव्ड वैल्यू आएगा इसमें जब हम लोग लगाते हैं पैसे को तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल डेरिवेटिव। हम डायरेक्टली इन्फोसिस की इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे, नहीं यहाँ नहीं लगा रहे हम लोग, इनके वजह से जो इंडेक्स नंबर में चेंज आ रहा है वहाँ पर हम लोग सीधे पैसे को लगा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि शुगर शुगर केन का डेराइव्ड है, वहाँ से जो शुगर का अगर प्राइस, शुगर केन का अगर प्राइस बढ़ा तो शुगर का भी प्राइस बढ़ेगा, तो वो जो डेराइव्ड वैल्यू है इनके वजह से जो इंडेक्स नंबर में जो डेराइव्ड वैल्यू आएगा वहाँ पर जब हम लोग लगा फंड को तो हम लोग कहते हैं कि ये फिनेंशियल डेरिवेटिव में हम लोग पैसे को लगा रहे हैं। यूजुअली जो फिनेंशियल डेरिवेटिव्स में पैसे लगाने की बात होती है उसमें पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है फ्यूचर्स, तीसरा होता है ऑप्शंस, चौथा होता है स्वैप्स। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस, एक होता है स्वैप्स। हम लोग एक एक करके देखेंगे इसको, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता दूं इसका। फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड के बारे में कहता है, इसको आप पहले एग्जांपल से आप समझ लें। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि दो कंपनी है, दो लोग हैं ए और बी, बी जो हैं वो फार्मर हैं, ए जो हैं वो परचेजर हैं ग्रेन्स के, बी फार्मर हैं ए परचेजर हैं। अब बी ने वीट की खेती कर रखी है, अब ए जाते हैं इनके पास कि आप 2021 फरवरी में या मार्च में जब भी आप अपने गेहूं खेत से निकालेंगे तो मुझे देंगे। इन दोनों लोगों ने आज के डेट में यानी कि दिसंबर 2020 में इन्होंने रेट तय कर, इन्होंने कहा कि ठीक है 100 मैं लूंगा। ये ध्यान रखें बात को, गेहूं नहीं है, इन्होंने गेहूं का फसल लगाना है, इन्होंने देख लिया खेत वगैरह, गेहूं का फसल लगाने की तैयारी चल रही है बी से, ठीक है। ए ने कहा कि 2021 में जब आप गेहूं निकालेंगे उसका आज के डेट में इन्होंने रेट तय कर लिया, ये हो गया फॉरवर्ड ट्रेड। आज का डेट में रेट तय हो गया कि मैं 100 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से लूंगा आपसे, इन्होंने भी कहा कि ठीक है। अब ये क्या है कि भविष्य में होने वाले नुकसान से ये भी बचना चाहते हैं, ये भी बचना चाहते हैं। इनके साथ दिमाग में ये है कि हो सकता है कि भविष्य में वीट की प्राइस डाउन हो जाए, इनको ये लगता है कि हो सकता है भविष्य में वीट की प्राइस बढ़ जाए तो हम आज ही क्यों ना इनके साथ रेट तय कर। ये जैसे बात हो गई, इन लोगों ने कहा ठीक है भाई चलो कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड के साथ एग्रीमेंट होने के बाद भी कहता है कि यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, क्या हो सकता है ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि काउंटर पार्टी रिस्क हो जाए। अब जब रिस्क है इसका मतलब क्या हुआ, अभी ए ने कहा था बी से कि मैं आपसे 100 रुपीज पर क्विंटल परचेज करूंगा, सही है। गेहूं पैदावार जब हो गया, पता चला स्पॉट मार्केट में उस
अब भी रिफ्यूज़ कर दिए, नहीं हमने आपके साथ फॉरवर्ड ट्रेड किया था बट आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू सिंस द स्पॉट प्राइस ऑफ द स्पॉट मार्केट हैज़ राइजन। इनको नुकसान हो जाएगा। ए ने सोचा अगर ये केस थोड़ा सा उलट दे, स्पॉट मार्केट में उस समय अगर गेहूं की प्राइस 90 रुपीज़ पर क्विंटल हो गई, अब ए रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं लूँगा। व्हाइल आई वाज इन फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट देन आफ्टर आई एम नॉट गोइंग टू परचेज फ्रॉम यू सिंस द प्राइस ऑफ व्हीट इन स्पॉट मार्केट इज़ व्हाट 90 रुपीज़। ऐसे केस में द जो रिस्क अराइज होता है इसको हम लोग कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क के साथ क्या है कि इसको जल्दी से हम लोग, ये चूंकि रिटर्न होता नहीं है फॉरवर्ड ट्रेड में, ऑर्गेनाइज्ड होता नहीं है, इसलिए इसमें ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए इसका जो अपग्रेडेड थिंग है वो है फ्यूचर। यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क को दूर किया गया है। यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क को दूर किया गया है। अब आप काउंटर पार्टी तो समझ रहे हैं, जो दो लोग ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं वो लोग हो गए काउंटर पार्टी, बट व्हाट अबाउट द रिस्क? रिस्क मींस व्हाट? रिस्क मींस व्हाट? पिछले लेक्चर अभी जब मैं बता रहा था तो वहां पे मैंने ये रिस्क एक्सप्लेन करना छूट गया था। मैं सोच रहा हूँ फिर से बता दूं आपको कि रिस्क होता क्या है। रिस्क के बारे में हम लोग कहते हैं कि डेविएशन रियल आउटकम फ्रॉम एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड आउटकम। डेविएशन रियल आउटकम फ्रॉम एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड आउटकम, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ये रिस्क कहते हैं हम लोग। अब ये यहां पे भी तो वही हो रहा है ना कि एक्सपेक्टेड तो था कि 100 रुपीज पर क्विंटल के साथ हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये डेविएट करा 110 गया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे ही ये 90 गया, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये रिस्क अराइज हुआ। इस रिस्क को दूर करने के लिए जो नई चीज आई वो आई क्या? फ्यूचर्स। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में क्या हुआ कि एक क्लियरिंग हाउस का कंसेप्ट आया। क्लियरिंग हाउस का कंसेप्ट है, कहने का मतलब यहां पे ए हो गए, यहां पे बी हो गए, इन दोनों लोगों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 100 रुपीज पर क्विंटल का। ठीक है, अब ये कहा गया कि जो भी ये पर क्विंटल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसका एक मार्जिन मनी आपको क्लियरिंग हाउस में रखना। उसका एक मार्जिन मनी क्लियरिंग हाउस में रखना, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 10%। अगर हम लोग ये कहें कि 10% यहाँ रखना होगा, ए ने भी 10% रखा, बी ने भी 10% रखा, अब अगर कोई रिस्क क्रिएट करता है तो उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो मार्जिन मनी तो उनकी सीज हो जाएगी, अगेंस्ट पार्टी को दे दी जाएगी। अब हुआ बात कि ये भी तो हो सकता है ये इस बढ़ करके 200 हो जाए, और जब ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 100 पर तो 10 रुपए रखे गए थे, लेकिन अभी अगर 200 रुपए हो गए प्राइस तो 10 रुपए वो छोड़ सकता है। चलो कोई बात नहीं, 10 ही रुपए जाएंगे, मैं बाहर बाजार में बेच दूंगा, 190 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, तो ये भी नहीं कर सकते। ये क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे यहां पे मार्जिन को भी घटाना बढ़ाना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं मार्क टू मार्जिन। मार्क टू मार्जिन,
क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होगा ना वो डायरेक्ट वैल्यू है कि मार्केट में जैसे ही प्राइस बढ़ा तो आपके भी ट्रेड एग्रीमेंट का प्राइस बढ़ा, और आपके ट्रेड एग्रीमेंट का प्राइस बढ़ा तो मार्जिन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये प्राइस फ्लक्चुएट करता है मार्केट में, वैसे वैसे यहाँ पर मार्जिन मनी भी फ्लक्चुएट करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं मार्क टू मार्जिन। ठीक है, मार्क टू मार्जिन मतलब कि दैट मार्जिन मनी विल चेंज अकॉर्डिंगली व्हाट मार्केट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये प्री रिक्विजिट्स थे कुछ यहाँ तक, और देन फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।